स्वरूप गुरुवर पुनीतांत प्राज्ञा गहनतम तत्वेषु निपुणा श्रुत स्वाध्यायेन सुविदित रहस्यो विभुवर प्रशस्या शास्त्राणां सुषमतर संपादन श्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर नमी राजर्षि मुनि दीक्षा ले रहे थे। एक वृद्ध ब्राह्मण आया और वह भी कोई अदृश्य शक्ति थी, आकर बोला कि राजर्षि अभी आपको बहुत काम करना है। और सारे कार्यों की तालिका उसने प्रस्तुत कर दी। बड़े बड़े भवनों का आपको निर्माण करना है, आप बीच में ही जा रहे हैं। तो नमी राजर्षि ने उत्तर में कहा कि मैं अपना घर बनाने के लिए ही जा रहा। हर आदमी को अपना घर बनाना चाहिए, तो सब अपने अपने घर में रहते हैं। तो मैं तो नहीं मानता कि अपना घर है वह कोई, वह तो सीमेंट पत्थर लोहा से बना हुआ घर है। और ऐसा घर है जो पता नहीं कितने लोगों ने बनाए, कितने लोग चले गए, घर वहीं का वहीं रह गया। अपना घर कहीं अलग नहीं जाता, हमेशा अपने साथ रहता है। प्राचीन कथानकों में आता है कि एक कोई महिला थी और कोई ऐसा भाग्योदय था या कोई देवता उस पर प्रसन्न था, महिला का नाम ही बन गया आराम शोभा। वह जहाँ जाती बगीचा उसके ऊपर ऊपर साथ चलता था। तो ऐसा कोई घर बनाए कि घर हमेशा साथ रहे, कहीं छूटे नहीं। अपना घर, अपना घर कभी नहीं छूटता। बहुत जरूरी है कि हम इन घरों में ही विश्वास न करें जो पत्थर मिट्टी चूने से बनता है। हम अपना घर भी साथ में बनाएं। यह घर जरूरी होता है जीने के लिए और जीवन की यात्रा को चलाने के लिए। इसका निर्माण भी बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। कुछ दिन पहले यहाँ कुछ व्यक्ति आए, मेहता परिवार के, जिनका यह स्कूल था और जिस ट्रस्ट ने इसे बेचा था। वे आए, ऊपर आए, मेरे पास आए और आते ही बोले क्या हो गया, क्या हो गया कि क्या था, क्या हो गया। तो मन में आया ये कारीगरों का कमाल है, और तो क्या कहें। हाँ, चतुर कारीगर होते हैं तो ऐसा नया रूप दे देते हैं कि आदमी को पहचानना मुश्किल, उनको मुश्किल हो गया जिनका था। दूसरे तो भले कैसे पहचाने, पर जिनका था, जिनकी संपत्ति थी, जिन्होंने अपने हाथ से इसका पुनरावर्तन किया था, वे ही आते। इतने अश्व मैंने देखा, उनकी आकृति को देखा कि आकृति पर विस्मय की रेखा थी कि ये क्या हो गया ऐसा। तो ये जो बाहर का घर है उसका भी रूपांतरण किया जा सकता है, पुराने को नया रूप दिया जा सकता है। युग के बदलने के साथ साथ हर चीज बदलती है। हम तो जब यात्रा करते हैं, अनेक नगरों गांवों में जाते हैं, देखते हैं, तो ये प्रश्न हमारे सामने रहता है कि आज एक व्यक्ति ने बड़ा भवन बनाया, उसका लड़का उसको पसंद करेगा या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। आज तो इतनी द्रुत गति से सारा समाज और चिंतन बदल रहा है कि पिता ने कितना बड़ा भवन बनाया और लड़का उसमें रहना ही नहीं चाहता।
कारण अशाश्वत घर। इसलिए हर व्यक्ति को दोनों दृष्टियों से देखना है, एक अशाश्वत घर और एक शाश्वत घर। नवी राजर्षि ने यही कहा कि मैं अपना घर बनाने जा रहा हूँ और शाश्वत घर जहाँ से मुझे कभी बाहर न जाना पड़े। यह घर कब बना? केवल पैसे से नहीं बना। ठीक कहा भाई ने कि केवल पैसे से बनता तो पता नहीं 5 वर्ष लगते, 10 वर्ष लग जाते। हर कार्य श्रद्धा और समर्पण से संपन्न होता है। पता नहीं क्यों इसके साथ कार्यकर्ताओं का समर्पण जुड़ा, तो उसमें तो वही आश्चर्य नहीं, आश्चर्य तो है पर अति आश्चर्य नहीं। किंतु जो लोग एजेंसी वाले होते हैं, जो अपना काम करते हैं, उनकी तो कोई श्रद्धा समर्पण होना जरूरी नहीं। परंतु ठीक कहा, कोई अदृश्य शक्ति ही काम कर रही थी कि केवल पैसे के बल पर काम नहीं हुआ, उसके साथ समर्पण जुड़ गया, लगाव हो गया, श्रद्धा जुड़ गई। ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कठिन है काम, श्रद्धा का जुड़ जाना और समर्पित हो जाना। अगर आपको उदाहरण दूं कि मेरे सामने कुछ कार्यकर्ता बैठे, संस्कार चैनल वाले भी है और माइक वाले भी हैं, झाकल माइक वाले भी, अगर ये पैसे के बल पर ही काम करते तो यहां टिक भी नहीं पाते। पर इसकी श्रद्धा इतनी दोनों की जुड़ गई कि दिन में चाहे 10 बार हो, 10 बार जाना हो, कितनी कठिनाइयां हो, आज तक लंबे समय 5-10 वर्ष हो गए, छोटे छोटे लड़के हैं पर कभी यह नहीं सुना, यह नहीं देखा कि काम में इनकी कोई कहीं नाक बहुत सिकुड़ी हो। सर इसका कारण कि एक समर्पण हो जाता है तब काम अच्छा होता है। केवल पैसे के काम पर जो काम होता है उसमें तो क्या स्थितियां बनती है। एक घटना है तो बहुत कड़ी आपको बता दूं, राजा ने एक प्रासाद बनाया और अच्छे कारीगरों को चुना, बड़ा महल बनाया, पर आप स्थिति जानते हैं कि महल बना इतना बढ़िया लग रहा था, इतना भव्य, सब प्रसन्न हो गए। राजा आया, हजारों लोग आए देखने के लिए कि कितना भव्य महल बना है, कितना सुंदर रमणीय महल बना है। राजा ने देखा, राजा के मन में आया कि जिस कारीगर ने यह बनाया है, मैंने बड़ी खुशी से प्रसन्नता से इसको बनाया है और मैं चाहता हूं इसमें रहूं, पर आज मन करता है कि जिस व्यक्ति ने इतना भव्य भवन बनाया है उसे पुरस्कार देना चाहिए और पुरस्कार में यह भवन ही इसको दे। राजा ने घोषणा की, खड़ा किया, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट हुई, राजा प्रसन्न, सब लोग प्रसन्न, किंतु वह ठेकेदार प्रसन्न नहीं, वह प्रसन्न नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ आप समझ गए कारण? तो क्या जितना रद्दी से रद्दी मेटेरियल लगाना था सारा लगा दिया, उसने सोचा राजा ने प्रसाद क्या किया, भाग्य फोड़ दिया मेरा तो भाग्य। इसका कारण कि जहां श्रद्धा समर्पण नहीं जुड़ती वहां अनैतिक व्यवहार होता है, और फिर इतना बड़ा भव्य प्रसाद मिलने पर भी प्रसन्नता चेहरे पर नहीं खिलती और उदासी आई कि राजा ने क्या किया, इसे तो अच्छा था 2-4 लाख रुपया देता तो काम तो आता, ये तो थोड़े समय बाद है जाने वाला है, क्या हुआ इससे। तो आप निश्चित माने
केवल पैसे के बल पर कोई काम नहीं चलता। जिस कार्य के साथ एक समर्पण का भाव नहीं जुड़ता, अच्छा काम नहीं होता। समर्पण एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शब्द रहा है कि उसके साथ तादात्म्य कर लेना, तादात्म्य एकात्मकता हो गई और यह मान लिया कि मेरा ही काम है। जहाँ कार्य कराने वाले करने वाले में भेद रहेगा वहाँ तो समस्याएं पैदा होती रहेगी, क्यों वहाँ भेद है। और जहाँ कार्य कराने वाले और करने वालों में अभेद हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है, वहाँ समस्या नहीं होती। दूध में चीनी डालो फिर समस्या नहीं होगी। किसी व्यक्ति ने गुरु नानक के पास एक कटोरा भेजा और वह लबालब भरा था और साथ में प्रार्थना थी कि इसमें आप और कुछ डाल दें। एक पानी की बूंद या एक दूध की बूंद भी नहीं जा सकती, इतना भरा हुआ था। कहते हैं गुरु नानक ने एक फूल उस पर रख दिया, एक बूंद भी नहीं गिरी और सौंदर्य बढ़ गया। ऐसा ही प्रसंग है कि दूध का कटोरा था, अब एक बूंद भी नहीं डाली जा सकती, चीनी डाली और तादात्म्य हो गई, चीनी समा गई। ये तादात्म्य एकात्मक होना, एकात्मकता कि जहाँ भेद नहीं है वहाँ हर काम अच्छा होता है, जहाँ भेद होता है वहाँ यह कल्पना दिमाग में काम करती है कि मेरा नहीं है, मैं क्यों इतना समय लगाऊँ, क्यों इतना खोटी हूँ, क्यों निकम्मा काम करूँ, बस जितना करना है उतना करना है। तो यह कार्य कौशल की कला है समर्पण, और समर्पण का अर्थ है तादात्म्य। तादात्म्य इसे योग में कहते हैं समापत्ति, समापत्ति हो जाना और उसके प्रति इतना समर्पित हो जाना कि एकाग्रता ही नहीं उससे अगली चीज आ जाती है, कॉन्टेम्पलेशन, एक अगली इतना उसके ध्यान की स्थिति बन जाती है कि उसमें कुछ अलग लगता ही नहीं। तो भला ये भौतिक भवन बनाने में भी इतनी श्रद्धा और इतने समर्पण की जरूरत होती है अच्छा बनाने के लिए। तो शाश्वत घर बनाना हो वहाँ तो पता नहीं कितना चाहिए। तो नवी राजर्षि ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं शाश्वत घर को बनाने जा रहा हूँ और उसके लिए मेरा पूरा समर्पण है। हर धार्मिक आदमी को भी सोचना है और हर आदमी को सोचना है कि मुझे केवल इस घर के भरोसे नहीं रहना है, ये अशाश्वत घर के भरोसे नहीं रहना है, मुझे शाश्वत घर का भी निर्माण करना है। जो व्यक्ति केवल अशाश्वत घर के भरोसे रह जाता है अंत में पछताता है। पहले नहीं शायद पछताताप करे, पर मौत से पहले तो पछताता है। मैंने बहुत लोगों को देखा कि जिनको धर्म का नाम भी अच्छा नहीं लगता था, किंतु जब समय आया तो जो लोग आलोचना करने वाले और कुछ करने वाले उनको भी ऐसा लगा कि सारा कुछ हो रहा है। मेरे सामने जो परिवार बैठा है उसे भी जुड़ी हुई बात है कि सेठ का परिवार के एक व्यक्ति, बड़े व्यक्ति, प्रौढ़ व्यक्ति, बड़े चिंतनशील, पर साधुओं का उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, ज़्यादा रुचि भी नहीं थी, दृष्टिकोण भी कितना विधायक था मैं नहीं कह सकता। एक समय आया और गुरुदेव के पास प्रार्थना आई, आचार्य तुलसी के पास, कि आप मुझे दर्शन दें। गुरुदेव पधारे तो प्रार्थना की कि आचार्य वर मैंने आज तक तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण ही रखा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ आप साधुओं को मेरे पास भेजें, मुझे धर्म सुनाए, और आपने बड़ी कृपा की। इतना उन्होंने एक साथ कहा, हम लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि ये व्यक्ति ऐसा कह सकते हैं।
इस बात को शायद फतेहचंद जी जानते हों तो पता नहीं, इनकी पत्नी तो जरूर जानती है, रमेश की माँ तो जरूर जानती है कि फिर उन्होंने कहा, हाँ हाँ चानवल जी वही जानती है, नाम भी जानती है। तो फिर उन्होंने गुरुदेव से कहा, एक श्लोक राजस्थानी का इतना बढ़िया श्लोक उन्होंने कहा, तो श्लोक का अंतिम सार यह है कि एते भक्त तारे पर कौन एहसान कीनो, बिना भक्त तारो तो पे तार वो तिहारो है। आपने प्रहलाद को तारा, श्री कृष्ण को लेकर वह भक्त श्लोक है कि आपने इतने भक्तों को तारा, इसमें कौन एहसान किया आपने, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिना भक्ति तारो तो पे तार वो तिहारो है, बिना भक्ति आप तारो तो तारनो है, अब आपको मुझे तारना है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि यह कैसे हुआ, पर एक क्षण जीवन का जब अंतिम समय के आसपास व्यक्ति जाता है, सारा उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, दृश्य बदल जाता है और परिपार्श्व का वातावरण बदल जाता है कि व्यक्ति का चिंतन कैसे होता है। इसलिए हर व्यक्ति को समय रहते ही सोच लेना है कि मैंने अशाश्वत घर बहुत बढ़िया बनाया, बड़ा बनाया, विशाल बनाया, सब कुछ शक्ति लगाई, पर केवल उसी के भरोसे नहीं रहना है, मुझे शाश्वत घर का निर्माण भी करना है। जिन हमारे दक्ष कारीगरों ने, एजेंसियों ने काम किया, उन्हें भी सोचना है कि केवल हम भवन बनाते रहें इतना ही हमारा काम नहीं है, हमें अपना घर भी बनाना है। यह भी साथ में सोचना है कि अपना घर बनाना है, और अपना घर ऐसा बनाना है, इतना बढ़िया बनाना है कि फिर कोई चिंता कभी न जीवन में रहे न कभी आए। वह हमारा शाश्वत घर, और वह है हमारी आत्मा की पवित्रता, हमारा संयम, हमारा विकास, हमारे भीतर जो शक्तियां हैं, असीम ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत शक्ति हमारे भीतर है। उन तीनों के योग से हमें ऐसे घर का निर्माण करना है जो सदा आनंद देने वाला, जिस आनंद को कोई खंडित नहीं कर सकता, जिस ज्योति को कोई खंडित नहीं कर सकता, अखंड आनंद और अखंड ज्योति, और जिस शक्ति को कोई स्खलित नहीं कर सकता, अप्रतिहत शक्ति, जिसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता, कोई व्यवधान नहीं डाल सकता। इस प्रकार के एक सामग्री से हमें ऐसे घर का निर्माण करना है। तो मैं मानता हूँ जो व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये जरूरी है, संसार में रहेगा उसे घर बनाना पड़ेगा, आकाश खुले आकाश में रह नहीं सकता, और जो समाज में रहता है उसे केवल अपना ही नहीं, उसे विद्यालय, हॉस्पिटल आदि वह भी सारा बनाना जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना समाज चल नहीं सकता, समाज की अपेक्षा है। तो व्यक्ति अपनी अपेक्षा भी पूरी करता है और समाज की अपेक्षा भी पूरी करता है, किंतु इसको इति नहीं मानना है, पूर्ण विराम फुल स्टॉप नहीं लगाना इस पर, इससे भी आगे सोचना है कि ये तो वर्तमान जीवन के लिए तो मैंने इतना किया, किंतु जीवन तो कोरा वर्तमान का नहीं है, अतीत का भी रहा है, वर्तमान का है और भविष्य का भी है, मैं आगे के लिए क्या घर बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे आगे भी जाना है, मरने के बाद हर आदमी को आगे जाना है, तो वहाँ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति का यह त्रैकालिक चिंतन होता है, जो केवल एक काल की बात नहीं सोचता, त्रैकालिक चिंतन, वह समग्र चिंतन होता है और इस प्रकार का चिंतन करता है, वह केवल अशाश्वत घर में ही मुग्ध नहीं होता, उसके सामने सदा शाश्वत की कल्पना रहती है, और जिसके सामने शाश्वत की कल्पना नहीं रहती वहाँ ये लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाती। अच्छा घर बनाया, हमने देखा इतना बढ़िया घर था और बीच में दीवार खींच गई, कहते हैं वो बिगड़ गया, उसका सो बिगड़ गया, कुछ भी बिगड़ गया। हमने पूछा, अरे ये क्या, कितना बढ़िया भवन था और ये क्या हो गया, कि आपस में लड़ाई हो गई और अब तो घर के बीच में दीवार खींच गई। ये दीवार क्यों खींचती है, कि जो व्यक्ति शाश्वत घर नहीं बनाता तो फिर वह लड़ाई झगड़ा भी करेगा, सब कुछ होगा, उसका अहंकार भी प्रबल हो जाएगा,
आजकल ईगो प्रॉब्लम, लोग कहते हैं सब जगह कहीं चले जाओ ईगो प्रॉब्लम सब जगह है, ये कोई छूटती नहीं है, भारी समस्या है अहंकार की समस्या। और संस्थाओं में तो और जटिल बात है, घरों में भी है, दो भाई है उनमें भी अहंकार की समस्या है, पुत्र पिता में भी अहंकार की समस्या, सास बहू में भी अहंकार की समस्या, सब में समस्या। और संस्थाओं में तो जहाँ अहंकार की समस्या न हो तो वह संस्था ही फिर क्या हुई, फिर क्या संस्था हुई, सबसे पहले वह होता है। बस ये नहीं होता कि काम होना चाहिए, काम नंबर दो और पहले वह होता है। और मैं तो देखता हूँ छोटी संस्थाओं की क्या बात करूँ, जो देश की सर्वोच्च संस्थाएं हैं वहाँ भी ज़्यादा समय तो ईगो प्रॉब्लम में बीतता है और काम की बातें तो बहुत कम होती है, ज़्यादा व्यक्तिगत बस अहंकार की लड़ाइयाँ होती रहती है। तो ये सब क्यों होता है कि हम केवल अशाश्वत पर ही भरोसा करते हैं। अगर अशाश्वत के साथ शाश्वत पर भरोसा करें तो फिर ये समस्याएं नहीं होती। अशाश्वत पर ही भरोसा रहता है तो मानस भी वैसा ही बन जाता है, बस जो बात हमारे मस्तिष्क में जम जाती है वैसी बन जाती है, फिर वही बात एक भीतर रहती है। जैसे एक इम्प्रेशन हो गया, एक चोट हो गई, एक चीज़ जम गई, वही बात फिर दिमाग में रहती है। क्यों कि जो व्यक्ति सर्वांगीण दृष्टि नहीं रखता, केवल धन आसक्ति परिग्रह भवन इन्हीं में उलझा रहता है, रात दिन शायद सपना भी वैसा ही आता है, सपना ही वही आता होगा। एक व्यक्ति बहुत लोभी था, केवल अशाश्वत में उलझा हुआ था, इतना लालची था और धन के सिवाय कुछ दिखता नहीं था, साथ में कंजूस भी पूरा था, पर केवल धन। सोता तो भी व्यापार की दुकान की बात लेकर ही सोता। एक रात को सोया, आधी रात बीती और इतने कपड़ा फाड़ने की आवाज हुई, पत्नी पास में सो रही थी जाग गई, उसने जाकर हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हो? तो बोला कि तुम बड़ी विचित्र हो, घर में तो मुझे कष्ट देती हो, थोड़ा कष्ट देती हो पर दुकान को भी नहीं छोड़ती, ग्राहक आया हुआ है लट्ठा मांग रहा है और वह कहता है कि इतना नहीं चाहिए मुझे, फाड़ कर थोड़ा हिस्सा दो, तो फाड़ कर दे रहा हूँ, तो आखिर मेरा हाथ तुमने पकड़ लिया। बोली भले आदमी जरा सोचो, कोई नहीं तो ग्राहक है न लट्ठा है, तुम अपनी धोती फाड़ रहे हो। तो जो एकांगी दृष्टिकोण बनता है और जो बाहर दिमाग में जम जाती है और रात दिन वही चिंतन रहता है, तो जो सोते भी जागते भी सपने में भी वही बात सामने आती है। हमारा दृष्टिकोण एकांगी न बने, केवल अशाश्वत की समस्या में न उलझे रहें, शाश्वत को भी समझने का प्रयत्न करें, हमारा सर्वांगीण दृष्टिकोण बने, व्यापक दृष्टिकोण बने, समग्र दृष्टिकोण बने, तो अच्छा जीवन हो सकता है। इसलिए आप सब लोग चिंतन करें कि केवल अशाश्वत में नहीं उलझना है, अशाश्वत का उपयोग तो करना है, पत करना पड़ेगा, उसके सिवाय कोई चारा नहीं है, किंतु अशाश्वत में उलझना नहीं है और उसे सीमा नहीं मानना है। अंतिम बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट वह नहीं है हमारा कि जो समाप्त हो गया, वह हमारा शिखर नहीं है, चोटी नहीं है, हर की तो चोटी पर चले जाओ आगे बात समाप्त हो जाती है, पर वह कोई सीमा नहीं है, चोटी नहीं है, उससे भी आगे बहुत कुछ है। यह समग्र दृष्टिकोण व्यापक दृष्टिकोण रहे तो जीवन भी आनंदमय रहता है, उपयोग भी पदार्थ का होता है, किंतु आदमी पदार्थ चेतना वाला नहीं बनता। इसलिए हम शाश्वत और अशाश्वत दोनों को समझने का प्रयत्न करें, अशाश्वत का उपयोग करें और शाश्वत के प्रति हमारा तादात्म्य हो जाए, तो वह व्यक्ति सचमुच इस संसार में महान होता है, बहुत लाभ उठाता है और उसका भविष्य भी बड़ा सुंदर और सुखद होता है। इसलिए हम त्रैकालिक चिंतन के आधार पर कुछ करें,
जिससे हम आनंद के साथ अपनी जीवन यात्रा को चला सकें। ओम आर्थ। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।